हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बनाएंगे आपके लिए लिंगड़े की सब्ज़ी, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की एक स्वादिष्ट सब्जियों में से गिनी जाती है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं। इसकी पूरी जानकारी वीडियो में दी गई है। सबसे पहले हम लिंगड़े को 5 मिनट के लिए गर्म पानी में उबाल लेंगे। अब लिंगड़े अच्छे से उबल गए हैं और हम इसको अच्छे से साफ़ करके निकाल के अच्छे से इसको कट कर लेंगे। हमने अच्छे से धो के साफ़ करके इसको काट लिया है और साथ ही हमने लिया बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर और बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां। और हम गैस में कढ़ाई रख देंगे और इसमें थोड़ा सा हम तेल ज़्यादा डालेंगे। नॉर्मल सब्ज़ी के अकॉर्डिंग ज़्यादा तेल लगता है इसमें। और तेल गर्म होने के तुरंत बाद हम इसमें तेज पत्ता डाल देंगे, साथ ही डाल देंगे खड़ा मसाला और इसको हल्का सा ब्राउन होने देंगे। जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक चलाते रहेंगे। और हम इसमें जखिया भी ऐड कर रहे हैं। हमारा खड़ा मसाला अच्छे से ब्राउन हो चुका है और इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और इसको चलाते रहेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और उसको थोड़ी देर हल्का ब्राउन होने तक चलाते रहेंगे। जब तक हमारा प्याज ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे हम 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच मिर्च और 2 चम्मच सब्जी मसाला। प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाला और उसको हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे जब तक वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए। प्याज और मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ टमाटर। और इसको हम हल्का हल्का चलाते रहेंगे। साथ ही साथ इसमें हम ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक, जिससे हमारा प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाएगा। प्याज और टमाटर हमारा अच्छे से गल गया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे लिंगड़े और इसको चलाते रहेंगे और हल्के आंच में इसको चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। ये हमारा अच्छे से पक चुका है, देखिए कितना स्वादिष्ट और टेस्टी लग रहा है। पाँच मिनट हल्की आंच में पकाने के बाद हमारा लिंगड़ा अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। देखिए दोस्तों कैसा बना है, कमेंट में ज़रूर